हेलो, पिछले बार जो हमने एग्रीकल्चर स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश देखा था, ये उसका सेकंड पार्ट है। पहले जो हमने स्कीम देखी थी वो थी सीएम खेत तीर्थ योजना और सूरजधारा स्कीम, ठीक है। इसके अलावा थी आपकी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ओके। फिर आपकी थी अन्नपूर्णा योजना, मैंने बताया था ये अलग है, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था किसान सम्मान निधि योजना, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देती है, दो इंस्टॉलमेंट में देती है। ओवरऑल मध्य प्रदेश में किसानों को 10,000 रुपये साल का गवर्नमेंट देती है। फिर मैंने आपको सूरज धारा के बारे में बताया था। फिर तेजस्विनी रूरल वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम के बारे में बताया था, जो मध्य प्रदेश में ही है, इंडिया के मध्य प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से है। फिर मैंने स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ STRY स्कीम के बारे में बताया था। फार्मर कैपेसिटी असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन FCAC स्कीम के बारे में बताया था। ओके, आज का जो स्कीम है ये आपका रहेगा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये स्कीम काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वर्ड आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है बेसिकली? देखिए, हम जो एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, डैट इज़ इनफ टू फीड अवर सेल्फ, बट इट इज़ नॉट इनफ टू एंश्योर डैट अवर फ्यूचर जनरेशन हैज़ एक्सेस टू इक्वल रिसोर्सेज डैट वी हैव एक्सेस टू। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? जैसे कि आज आपके पास पानी है, आप इरीगेशन कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में भी जो लोग इरीगेशन करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, उनके पास क्या पानी रहेगा? उसी क्वालिटी का पानी रहेगा जो आपके पास है। आपके पास आज जो भी मटेरियल है, जो भी रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हो, फॉसिल फ्यूल्स है, कुछ भी हो, क्या उनके पास वो सेम चीज़ रहेगी? अगर नहीं है, तो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप इसे इस फॉर्मेट में यूज़ करो कि एक तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो और फ्यूचर की जनरेशन के पास ये चीज़ मिल जाए या उनके लिए बची रहे। ये होता है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल का डेफिनेशन होता है। तो ये क्या है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वैसे ये मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पर इसका काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हो कि इसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या करता है इस केस में? तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखे, हमें बस उसे फॉलो करने हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फॉर प्रमोटिंग लोकल स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड एंड कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम्स। लोकेशन स्पेसिफिक या लोकल स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम्स। ओके, अब लोकल स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ? जैसे कि देखिए, हर इलाके का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है, जो आशीष सर के लेक्चर में आपने देखा होगा, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से चीज़ें वहाँ बेस्ट उगती हैं। नागपुर के संतरे, आपके रतलाम वगैरह तरफ के गुआवा वगैरह काफ़ी होते हैं, आपका होशंगाबाद के पास में आपको ग्रेप्स, रायसेन के पास में ग्रेप्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्यों है छिंदवाड़ा में ग्रेप्स क्यों नहीं हो रहे उतने अच्छे? क्योंकि एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिफरेंट है, वहाँ का जोन डिफरेंट है, यहाँ का जोन डिफरेंट है, वहाँ की सॉइल डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट है, मतलब ये सारी फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो लोकेशन स्पेसिफिक अगर हम कल्टीवेशन करते हैं तो होता क्या है कि वो जो लोकेशन है वो उस पर्टिकुलर क्रॉप को सपोर्ट करती है, लोग वहाँ से ही पैसे कमा सकते हैं। महाराष्ट्र जैसी जगहों पे अगर आपने देखा होगा कि विदर्भ वाले इलाके में, या जो नीचे आप महाराष्ट्र का जो नीचे का हिस्सा है, शोलापुर लातूर वगैरह वाला हिस्सा है, वहाँ पे पानी की कमी क्यों पड़ गई थी 2-3 साल पहले? आपने देखा होगा कि लातूर में ट्रेन गई थी पानी को लेके, मतलब ऐसी होगी स्थिति होगी कि ट्रेन गई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ सालों पहले, लाइक 1970s 1980s के टाइम पे शुगर रिवॉल्यूशन हुआ था। इतने सारे शुगर मिल्स खुल गए थे, इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो कॉपरेटिव मूवमेंट से वहाँ निकले थे, जो आप देख सकते हो, जो महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े कॉपरेटिव लीडर्स हैं वो सब यहीं से निकले, कि उन्होंने कॉपरेटिव को यूज़ किया, शुगर्स वगैरह, शुगर के कॉपरेटिव वगैरह बनाए और इस तरह से राइज कर गए। पर महाराष्ट्र ड्यू नहीं था शुगर केन के लिए, शुगर केन महाराष्ट्र में होनी भी नहीं चाहिए थी, पर बस पैसा था उसमें और प्रॉफिट अच्छा था तो लोग शुगर केन का यूज़ करने लगे। पंजाब में भी यही हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक सर आप समझ सकते हो कि ज़्यादा फायदा पंजाब वगैरह के रीजन्स को मिला, इसलिए जो हम कहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0, उसमें हम नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को फोकस कर रहे हैं, उन इलाके पर फोकस कर रहे हैं जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट फेज में नहीं पहुँच पाया था।
तो क्यों ज़रूरी है कि जिस इलाके में जो चीज़ उगती है बेटर है कि वो वहीं पे उगाई जाए और उसी में ही वैल्यू एडिशन किया जाए ताकि सामने वाले को पैसा अच्छा अर्न कर सके। सो प्रमोटिंग लोकल या लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम्स, देयर शुड बी थॉरो एंड अप्रोप्रिएट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल और मॉइस्चर को कंजर्वेशन के मेजर्स आपको यूज़ करने हैं। हम सॉइल कंजर्वेशन पे इसलिए इतना ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि आपको एक फैक्ट पता ही होगा कि एक सेंटीमीटर सॉइल बनने में ही यू नो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और आप अगर सॉइल को सही तरीके से यूज़ नहीं करते हो, एक्सेसिव पानी डाल रहे हो, तो वो सॉइल बह जाती है और वो कोई मतलब नहीं रहता उसका, और वो सॉइल ही रहती है जो बेसिकली किसी भी प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। तो सॉइल को हमें बचा के रखना है। टू अडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन सॉइल फर्टिलिटी मैप्स सॉइल टेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो आपको सॉइल को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। आपको पहले सॉइल की हेल्थ देखनी है, सॉइल की हेल्थ देखने के बाद असेसमेंट कर लिया और उसके बाद उतने ही अमाउंट का फर्टिलाइज़र डाला कि वो मैक्रो फर्टिलाइज़र है या माइक्रो फर्टिलाइजर्स के जोन में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप आपकी बॉडी का देख लीजिए, आप बॉडी के दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वीकनेस आपको लग रही है, डॉक्टर बोलता है फलाना टेस्ट करा के लाओ, आप टेस्ट करा के लाते हो, आपको पता चलता है भाई मेरे बॉडी में विटामिन सी की कमी है, फिर आपको ये भी पता चलता है कि मेरे कुछ मिनरल्स की भी कमी है। तो वो क्या करता है, जो मान लीजिए आपके विटामिन सी की कमी है तो आपको विटामिन सी की ही गोली देगा वो, ठीक है, या फिर विटामिन डी की दे देगा। तो सेम, क्योंकि उनको पता है कि विटामिन सी भी हर विटामिन का अपना अपना रोल है बॉडी के अंदर, सेम हर माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट का रोल है सॉइल की हेल्थ के लिए या सॉइल की प्रोडक्टिविटी के लिए। तो हम क्या कर रहे थे, इसके पहले हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स कर रहे थे, जैसे हमें लगता था वैसा फर्टिलाइजर हम यूज़ करते थे, जो सरकार ने दे दिया वो यूज़ कर दिया, पर हमने कभी असेसमेंट नहीं किया कि हमारी सॉइल को एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। जब से सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई है या जब से हम सॉइल का एनालिसिस करने लगे हैं, तब हम क्या करते हैं, हर दो दो सालों में अब किसान जो रहता है वो अपने, या फिर जो एग्रीकल्चरल का जो इंजीनियर वगैरह रहता है, डिपार्टमेंट रहता है, वो खेतों में जाके एक सैंपल कलेक्ट करता है। उस सैंपल को कलेक्ट करने के बाद उस सैंपल का एनालिसिस करता है कि इस सैंपल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है। न्यूट्रिएंट दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, या तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। उसका एक अलग से एक निमोनिक होता है जो आप याद कर सकते हो, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होता है NPK, सबसे कॉमन नाम आपको पता ही होगा। और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, जैसे कि कोबाल्ट वगैरह भी लगता है, मैग्नीशियम वगैरह भी लगता है, ये सब लगता है। अब क्या होता है कि जब आपने ये देख लिया कि हमारी सॉइल में किस चीज़ की कमी है, उस स्पेसिफिक यूज़ के हिसाब से हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर्स वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि हम, आपको पता ही है कि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हम सब्सिडी में प्रोवाइड करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आज का न्यूज़ में था कि डायमोनियम फॉस्फेट गवर्नमेंट ने उस पर जो सब्सिडी है वो काफ़ी सेम रखी है जैसी पहले थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी इंटरनेशनल प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ओके, तो इस तरह से गवर्नमेंट 80,000 करोड़ का सब्सिडी बिल है सिर्फ फर्टिलाइजर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझनी है, इसलिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर फोकस करना है। जो थर्ड पॉइंट आपको इसमें लिखना है, यूटिलाइजिंग द वाटर रिसोर्सेज थ्रू एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट बाय एक्सपेंडिंग द कवरेज फॉर अचीविंग मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये हमें अचीव करना है। तो ये चीज़ आप कैसे लिंक कर सकते हो, आपने वाटर रिसोर्सेज का जो यूनिट पढ़ा है उसमें वाटर मैनेजमेंट है आपका, तो आप उसमें लिख सकते हो कि हमें ज़रूरत है कि हम वाटर मैनेजमेंट को एम्फेसिस दें उस चीज़ में, बिकॉज वी हैव अ मिशन या विच इज़ एनविजन्ड इन द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विथ अ थीम ऑफ मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका थीम लाइन है, तो आप उससे लिंक कर सकते हो यूनिट 4 को ज्योग्राफी की, और आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स से लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, इस स्कीम के बाद ये मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप इतना लिख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इस मिशन के अंतर्गत उन्होंने ये काम काफ़ी डिपार्टमेंट को दे रखा है। तो एग्रीकल्चर का जो काम है उसमें जो स्टेट की सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरी है, डिस्ट्रिक्ट पर सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरीज हैं, वो सॉइल को टेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। जो इरिगेशन वाला पार्ट है वो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट देखता है। और इसका काम ये भी है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट अलग अलग एरिया स्पेसिफिक फोकस करते हैं, उनको कोलैबोरेट भी किया जाए। तो देयर इज़ बेसिकली मिशन कॉल्ड एज राष्ट्रीय कृषि
विस्तार योजना आर के वी वाई, ठीक है, ये पहले हुआ करता था इसका नाम, फिर रफ्तार हो गया आर के वी वाई रफ्तार। और इसमें बेसिकली क्या होता था कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इन सब के जो मेंबर्स रहते थे दे यूज टू कम अप इन अ मीटिंग एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो बेसिकली वो कलेक्टर वो मीटिंग लेता था और उसमें वाटर रिसोर्सेज का भी आदमी बैठेगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर वाला आदमी बैठेगा, वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग वाला भी बैठेगा, और वहाँ पे आपका जवाहर जो कृषि केंद्र होते हैं या जवाहर विद्यालय जो होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं केवी के, वहाँ के भी लोग बैठेंगे। तो बेसिकली किसान ये जो आपका केवी के है कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज आएगा या फिर रिसर्च बेस्ड नॉलेज आएगा। जो आपका वाटर रिसोर्सेज वाला है वो प्रैक्टिकल बताएगा कि भैया कितना वाटर अवेलेबिलिटी है उस इलाके में उस टाइम पे। आपका जो सॉइल टेस्टिंग वाला है वो सॉइल के बारे में बताएगा। तो इन सब तीनों के इनपुट लेके फिर आप उस डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करोगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए। तो इस तरह से सिस्टम चलता है अभी इस वक्त एज ऑफ नाउ। ओके, देन नेक्स्ट स्कीम आप लिखेंगे किसान कॉल सेंटर। ये बेसिकली नेशनल लेवल पे चलती है स्कीम, ठीक है। जो कॉल नंबर है वो आपको याद रखना है 1551, अगर प्रीलिम्स में कभी पूछ ले किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है 1551, ठीक है। दिस स्कीम इज विथ अ व्यू टू यूज द एक्सटेंसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री टू डिलीवर एक्सटेंशन सर्विसेज टू द फार्मिंग कम्युनिटी। ओके, द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन लोकल लैंग्वेज एंड हेल्प इज गिवन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस किसान कॉल सेंटर। ओके, तो अब आपको ये किसान कॉल सेंटर आपको पता ही है, आकाशवाणी वगैरह आप कभी सुनते होगे तो किसान कॉल सेंटर में आप फ़ोन कर सकते हो, आप SMS सर्विसेज ले सकते हो उनसे, वो रेगुलर आपको अपडेट करते रहेंगे। और आकाशवाणी या रेडियो वगैरह पे एक किसान की चर्चा वगैरह आती है, इस टाइप का चीज़ें आती हैं। आपको पता है कि जो रेडियो का नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है गाँव वगैरह में, ठीक है। अब तो टेलीकॉम वगैरह हर किसी के पास, जो आपका नॉर्मल वो जो नॉर्मल बटन वाला मोबाइल होता है वो भी सबके पास रहता है, स्मार्टफोन तो शायद ना हो, तो ये होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि किसान को अगर कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उसे किसान कॉल सेंटर में आप सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे, आप वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात कर सकते हो, क्लाइमेट से रिलेटेड बात कर सकते हो कि भाई वेदर कैसा होने वाला है, मुझे कब से वो उगाना चाहिए, ठीक है। आप अपनी सॉइल के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो कि मेरी सॉइल कैसी है, वो किसी से आपका कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं कि वो आपके खेत पे आके आपका सॉइल का सैंपल लेके चला जाए, ताकि आप सॉइल हेल्थ कार्ड की जो स्कीम है उसके अंतर्गत आप उसके हिसाब से फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सको। आप ये देख सकते हो कि फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी क्या है आपके इलाके में, आपके ब्लॉक में। आप ये देख सकते हो कि मंडी वगैरह कब ओपन होने वाली है, मंडी में क्या प्राइस चल रहा है। सो एवरी इन्फॉर्मेशन इज कल्मिनेटेड एट अ सिंगल पॉइंट एंड यू कैन ड्राइव दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द किसान कॉल सेंटर। ओके, ये आपको स्कीम समझना है, ठीक है। नेशनल लेवल पे स्कीम चलती है। ओके, देन देयर इज अनदर स्कीम कॉल्ड एज एम किसान, ठीक है। एम किसान, एम इज बेसिकली फॉर मोबाइल, ठीक है। एम किसान यूजेज ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ओके, द एम किसान पोर्टल हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन डिसिमेशन ऑफ प्राइजेस वेदर वाया टेक्स्ट मैसेजेस टू द फार्मर्स एंड द इंफॉर्मेशन इज डेसिमेटेड एट द ब्लॉक लेवल तो आपको ये याद रखना है कि जो एम किसान पोर्टल है ये पर्टिकुलर किसान के ब्लॉक लेवल तक का इन्फॉर्मेशन बताता है। ये बड़ा बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं बताता कि भाई स्टेट में क्या बिक रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइसेस रहते हैं किसी भी चीज़ के, क्योंकि वो गवर्न होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या वो गवर्न होते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू। तो बेसिकली हर ब्लॉक पे अलग अलग कीमत रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गांव में मान लीजिए तरबूज बहुत होते हैं, तो वहाँ पे तरबूज की कीमत कम रहेगी, पर जहाँ पे तरबूज नहीं होते वहाँ तरबूज की कीमत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसके जहाँ से जिस पॉइंट्स पे वो उसका ओरिजिन हुआ है वहाँ से डेस्टिनेशन तक उसमें वैल्यू एडिशन होता जाएगा, उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जुड़ता जाएगा, फर्टिलाइजर्स वगैरह आदमी का लेबर जुड़ता जाएगा, तो इस तरह से कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो एम किसान में क्या होता है कि वो ब्लॉक लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन डेसिमेट करता है। ओके,
आपको ये भी याद रखना है कि एम किसान जनरली टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू ये काम करता है, क्योंकि उनको भी पता है कि गांव के लेवल पे जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी कम है. सो बेसिकली दे गिव इन्फॉर्मेशन थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस. एम किसान का एक काम ये भी है कि अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त गेहूँ का उपार्जन का काम चल रहा है. बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट काफ़ी बड़ा रेवेन्यू है, काफ़ी बड़ा शेयर वो वीट को प्रोक्योरमेंट में उसका यूज़ होता है, क्योंकि हम वीट के काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं. हम ये काम अपने स्टेट के लिए तो करते ही हैं, प्लस हम नेशनल लेवल पे भी काम करते हैं, क्योंकि हम ये काम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए कर रहे हैं, एक तरह से आप समझ सकते हो. देखिए कंसेप्ट ऐसा है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी एंटिटी है जो पूरे जगहों पे पीडीएस का गेहूँ भेजती है, लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. हमारा काम क्या होता है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, डैट इज़ बेसिकली एंड आप समझ सकते हो कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल पूल मतलब जितना भी ग्रेन्स इकट्ठा हो रहा है, सेंट्रल पूल का केयर टेकर है वो, ऐसा समझ लो आप. तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जैसे आपने बोला होगा, इस बार 80 लाख मैट्रिक टन वगैरह का गेहूं खरीदी हो गई है, 100 लाख मैट्रिक टन की हो गई है. तो हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट खरीद रही है. मध्य प्रदेश की मान लीजिए ज़रूरत है सिर्फ 30 मैट्रिक टन, पर उसने 80 लाख मैट्रिक टन प्रोक्योर कर रखा है. तो जो 50 लाख मैट्रिक टन है वो किसके लिए किया, वो ऐसे स्टेट्स के लिए किया जिनके पास गेहूं नहीं होता पर उन्हें गेहूं की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें गेहूं मिलना चाहिए. किसके हिसाब से, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसके अंतर्गत उन्हें गेहूं मिलना चाहिए. तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोक्योरमेंट होता है, हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए प्रोक्योर कर लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है. और फिर जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये अपने गोडाउंस में रखती है और स्टेट की नीड के हिसाब से उसे वहाँ पर भेज देती है. तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है. तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम डूइंग इट्स ओन जॉब, वो एक्स्ट्रा दूसरे गवर्नमेंट्स का भी काम करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली उन मामलों में जहाँ पे हमारा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जो बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट होते हैं. फिर एक जो नेक्स्ट स्कीम है वो है आपकी भावांतर भुगतान योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. भावांतर भुगतान योजना, और इंग्लिश में आप इसे लिख सकते हैं प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम. ओके, सो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम डेट वाज, इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2017, ओके, टू कंपेंसेट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस क्रैश. ओके, इन दिस स्कीम द गवर्नमेंट पेज द डिफरेंस बिटवीन एमएसपी एंड मॉडल प्राइस, ओके, विच एवर इज हायर, फुल स्टॉप, ठीक है. तो देखो आपको एमएसपी का मतलब पता होगा, एमएसपी का मतलब होता है जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस लेवल पे आपसे प्रोक्योर करती है. किसान है एक, उसने उसके खेत में 10 बोरी अनाज निकला, वो क्या करता है, एक बोरी अपने कंजम्पशन के लिए रख लेता है डिपेंडिंग कि उसकी फैमिली नीड्स कितनी है, और या दो बोरी उसने रख ली, 8 बोरी उसने गवर्नमेंट को बेचेगा जाके, ठीक है. अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो ट्रेडर को बेच सकता है, वो गवर्नमेंट को बेच सकता है, वो किसी और को भी बेच सकता है, डिपेंड्स कि उसको लगता है उसके घर के बाजू में दो लोग रह रहे हैं यार, उन्हीं को बेच दो पैसे मिल जाएंगे, उनको ही बेच सकता है. तो ही इज़ फ्री टू सेल हिज प्रोड्यूस एनीवेयर. अगर वो घर के पास में बेचता है तो उसको प्राइस मिलता है मान लीजिए 1000. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर रखा है कि विल प्रोक्योर इट फ्रॉम यू एट 1200 रुपीज़. वो किसी ट्रेडर के पास जाता है, ट्रेडर उसे 1500 रुपये भी दे सकता है, बट देयर वुड बी कॉस्ट टू यू नो रीच एट दैट पॉइंट. वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अदा करेगा, जो भी कॉस्ट रहेगा, वहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, ट्रेडर शायद एक दिन में ना खरीदे, अगले दिन खरीदे, मतलब बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एमएसपी डिक्लेयर करती है हर साल सोइंग सीजन के, मतलब जब सोइंग सीजन होता है, जब फसल कटने वाली होती है उसके पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है. तो एमएसपी जो डिक्लेयर होता है, डेट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये वो प्राइस होती है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदने वाली है. अब भावांतर भुगतान क्या है, भावांतर भुगतान में क्या होता है कि अगर किसी भी किसान को एमएसपी से कम में गेहूं कोई उसका खरीद रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर है, वो बोल रहा है कि भाई वाई आर यू गोइंग मंडी तक क्यों जा रहे हो बेचने के लिए, तुम यहीं बेच दो मुझे, मैं 1000 रुपीज़ में आपसे खरीदूंगा. तो ये जो 200 रुपये का डिफरेंस है, इसका नुकसान किसका हुआ, किसान को हुआ. अब किसान को ये नुकसान ना हो इसलिए भावांतर भुगतान, मतलब कि भाव में जो अंतर है उसका भुगतान भी कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी. कौन सी गवर्नमेंट करेगी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट करेगी. कैसे करेगी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक प्राइस निकालती है जिसका नाम होता है मॉडल प्राइस. मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है आपको, गवर्नमेंट पेज द डिफरेंस बिटवीन एमएसपी एंड मॉडल प्राइस. नाउ व्हाट इज मॉडल प्राइस, मॉडल प्राइस इज एन एवरेज प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और जो भी चीज़ है उसका एवरेज प्राइस अक्रॉस द स्टेट.
तो फॉर एग्जाम्पल गेहूं का मध्य प्रदेश में एवरेज प्राइस क्या है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ढूंढती है। तो फॉर एग्जाम्पल गेहूं का एवरेज प्राइस मध्य प्रदेश में 1100 रुपीज़ आता है, एमएसपी कितना है 1200, उसने कितने में बेचा 1000 में। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या करेगी उसको, क्योंकि वो मॉडल प्राइस जो है वो एमएसपी कितना है 1200, मॉडल प्राइस कितना है 1100, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ वो किसान को देगी, तो इट इज़ नॉट पेइंग हिम एमएसपी, क्योंकि वो अगर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पे करेगी तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज खत्म हो जाएंगे, बट इट इज़ बेसिकली पेइंग देम मॉडल प्राइस, मॉडल प्राइस का डिफरेंस कर रही है। तो फिर से समझते हैं, एक किसान है, वो उसके पास 8 बोरे हैं जो उसे बेचने हैं, एक बोरे की कीमत 1000 रुपीज़ है, उसके मतलब जो भी 1000 रुपीज़ उसको ऑफर की जा रही है किसी ट्रेडर के द्वारा, गवर्नमेंट ने बोल रखा है मैं आपको 1200 में दूंगी, 1200 में आपसे खरीदूंगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या करती है, एक मॉडल प्राइस निकलती है अक्रॉस द स्टेट, मॉडल प्राइस होती है लगभग 1100 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, एवरेज प्राइस रहती है हर जगह की, तो वो मॉडल प्राइस कहलाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश क्या करेगी, डिफरेंस बिटवीन द मॉडल प्राइस एंड द एमएसपी ये किसको पे कर देगी, किसान को। तो किसान को जहाँ पे 1000 रुपीज़ मिल रहा था उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो मतलब 8 बोरे के उसको 800 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये जो भाव में अंतर होता है ये भावांतर भुगतान योजना का कंसेप्ट है, इस तरह समझ लो। ये स्कीम बंद हो चुकी है, रीज़न सबसे प्रोमिनेंट रीज़न ये रहा इस स्कीम को बंद होने की कि असेसमेंट ऑफ मॉडल प्राइस वॉज फ्लॉड, काफ़ी लोगों ने ऐसा काफ़ी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ने कहा। दूसरी बात ये हुई कि किसान ने किसको बेचा, किसका कहा, उसका रिकॉर्ड का काफ़ी डिफरेंस रहा। तो गवर्नमेंट ने कई बार इलेक्शन के लिए क्लेम कर दिया कि भाई वी विल पे यू द भावांतर भुगतान बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट्स और वगैरह वगैरह इस टाइप की चीज़ें, तो किसी को मिला किसी को नहीं मिला। तो स्कीम का बेसिकली लूप होल्स बहुत ज़्यादा थे, उसका इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया। ये कंसेप्ट जो था ये बेसिकली नीति आयोग ने दिया था, ठीक है, 2016 में, और मध्य प्रदेश पहला स्टेट था जिसने भावांतर भुगतान योजना को यूज़ किया था। अभी एज ऑफ नाउ ये स्कीम नहीं चल रही है, ओके। फिर आता है प्राइस सपोर्ट स्कीम, ये भावांतर भुगतान वर्जन 2.0 समझ लो आप इसे। प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या होता है, इसमें जो एमएसपी रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया, काफ़ी कॉमन भी क्वेश्चन है कि कौन सा ही बॉडी रहती है जो एमएसपी फिक्स करती है, तो आपको आंसर याद रखना है सीएसईपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, सीएसईपी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली में बैठती है, सीएसईपी फिक्स कर देती है आपका एमएसपी, ओके। अब इस एमएसपी के ऊपर अगर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई हम अपने किसानों को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दे कैन पे एक्स्ट्रा अबव द एमएसपी। सो अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि विल परचेज द वीट एट 1200 रुपीज़, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विड से डेट वी विल डू इट फॉर 1400 रुपीज़, तो वो 200 रुपये एक्स्ट्रा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पे करेगी इस तरह से, ठीक है। तो एमएसपी प्लस एक्स्ट्रा जो भी पे करते हैं वो बेसिकली प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट होता है। सो बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, जब हमें लग रहा है कि नहीं यार किसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो ही लगभग 1000 या 1100 रुपये के आसपास है और उसे सिर्फ 1200 रुपये मिल रहा है, 100 रुपये में कोई अर्निंग नहीं होने वाली, सो विल पे हिम एक्स्ट्रा इस तरह से, ओके। फिर सॉइल टेस्टिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो दो सालों में आपका सॉइल टेस्टिंग वगैरह होता है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, सारे सैंपल उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, वहाँ पे वो देखा जाता है कि सॉइल में क्या क्या कमी है और उसके बेसिस पे असेसमेंट किया जाता है और फर्टिलाइज़र की सब्सिडी के या फर्टिलाइजर्स के बारे में बोला जाता है कि आपको यूज़ करना है। आपको ये बात याद रखनी है कि सॉइल टेस्टिंग के बाद फोर्स नहीं किया जाता किसान को कि नहीं आपको भाई ये आपको ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, इट्स बेसिकली टू मेक हिम अवेयर डेट योर सॉइल और या सॉइल ऑफ योर लैंड लैक दीज एंड दीज न्यूट्रिएंट्स। सो बेसिकली आप बस उसको यूज़ कर लो या जितने जो न्यूट्रिएंट की कमी है उतना ही ऐड कर लो, ओके। देन देयर इज अनदर मिशन कॉल्ड एज स्टेट माइक्रो इरीगेशन मिशन, ओके, स्टेट माइक्रो इरीगेशन मिशन। दिस मिशन फोकसेज ऑन स्प्रिंकलर, ड्रिप एंड रेन गन वे ऑफ या मेथड ऑफ इरीगेशन, ठीक है। फॉर ऑल दीज थ्री माइक्रो इरीगेशन मेथड्स फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स, ओके। देन आत्मा योजना, ठीक है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा योजना, ओके। इट इज़ बेसिकली अ स्कीम टू सपोर्ट
the state extension program for making farmers more driven and accountable for new technology. Okay, ओके तो इस तरह से बेसिकली आत्मा योजना के अंदर अगर नया टेक्नोलॉजी एग्री क्या देखिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी. सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियों को भी गवर्नमेंट बोलती है कि आप किसान की हेल्प करिए किसी भी तरह से इंडिजिनस इनोवेशंस या जो भी आप छोटा मोटा आप इनोवेशन कर सकते हो सोलर पैनल्स वगैरह हो गए इस टाइप की जो स्कीम्स रहती हैं इस तरह से वो आपको हेल्प कर सकते हैं. ठीक है और फार्मर सेंट्रिक प्रोग्राम वगैरह बना सकते हैं प्लानिंग एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन वगैरह कर सकते हैं ये सब उसके कुछ पॉइंट्स हैं. ठीक है फिर नेक्स्ट जो स्कीम है वो आपका है ई कृषि यंत्र सब्सिडी स्कीम. ठीक है तो कृषि यंत्र मतलब ऐसी चीज़ें जो एग्रीकल्चर में यूज़ होंगी जो भाई टेक्निक जो मशीनरी वगैरह है. तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे किसान जो रहते हैं वो बेसिकली आपके जो ट्रैक्टर्स नहीं रहते उनके पास हार्वेस्टर्स नहीं होते हैं और भी जो भी मशीन्स वगैरह यूज़ होती है वो उनके पास नहीं होता. तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि इसको कहीं ना कहीं से बोरो करते हैं. जिनसे वो बोरो करते हैं वो लोग कौन होते हैं वो जनरली किसी भी गांव के या तो साहूकार होंगे बड़े या तो वो सरपंच हो सकते हैं या है ना जिसके बड़ी एक बड़ी खेती हो जिसके पास. तो बेसिकली एक तरह से ये लोग उन पर डिपेंडेंट ही हैं. सामने वाला ज़्यादा चार्ज करता है सामने वाला सही टाइम पे जब प्रॉपर सोइंग का टाइम होता है तब उसे वो मशीन नहीं देता तब वो ट्रैक्टर नहीं देगा पहले वो अपने खेत का करेगा बाद में आपको देगा तब तक शायद लेट हो सकते हैं. तो इस तरह से बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन तो हर जगह होता ही है. ऐसे चीज़ों से बचने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्कीम लाई कि आप जो कृषि यंत्र हैं उन पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे सकती है. इस स्कीम के अंतर्गत ये भी हो सकता है कि दो या तीन किसान मिलके कोई जो भी इक्विपमेंट उन्हें खरीदना है वो खरीद सकते हैं. लिमिट रहती है कि किसान का जो पिछले बार उसने कितने में सामान बेचा था उसके हिसाब से. ऐसा नहीं है कि एक ऐसा किसान जिसके पास एक एकड़ ज़मीन है उसे आप एक हार्वेस्टर दे दोगे ऐसा नहीं होगा. बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपने पिछले बार जो भी आपने सामान बेचा या जो भी आपने प्रोड्यूस बेचा गवर्नमेंट को वो किस रेट पे बेचा. तो अगर मान लीजिए आप एक साल का 50 या 60 लाख रुपए का सामान बेच रहे हो गवर्नमेंट को तो डेफिनेटली दे कैन फाइनेंस यू दे कैन प्रोवाइड यू सब्सिडी फॉर द कृषि यंत्रास. ठीक है सो इस तरह से एक ई कृषि यंत्र स्कीम आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भी है. ओके सो ये इसमें मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा स्कीम्स बता दी हैं. एक आपको ई नैम स्कीम भी याद रखना है. ठीक है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम. ठीक है ये 2016 में लॉन्च हुई थी ई नैम स्कीम. तो इसमें क्या है कि जब भी आपको सामान बेचना है अगर आप नहीं चाहते हो कि आप अपना सामान लोकल लेवल पे बेचो आप मान लीजिए छिंदवाड़ा जैसी जगहों पे और स्ट्रॉबेरी उगा रहे हो क्योंकि लोकल डिमांड है नहीं स्ट्रॉबेरी की पर इंटरनेशनल लेवल पे या बड़े शहरों में मेट्रो शहरों में स्ट्रॉबेरी की काफ़ी डिमांड है तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल ये एक यूनिफाइड पोर्टल है जहाँ पे आप अपने प्रोड्यूस के बारे में डिटेल्स लिख सकते हो और सामने वाला अगर आपको इंटरेस्टेड है आपके प्रोड्यूस में तो वो परचेज कर सकता है. तो बेसिकली मान लीजिए पुणे का कोई आदमी है जो आपका स्ट्रॉबेरी खरीदना चाह रहा है क्योंकि उसका एक होटल है आपने अपने स्ट्रॉबेरीज के बारे में डिटेल वगैरह ई नैम पोर्टल पे डाल दी है सो ही कैन परचेज इट फ्रॉम दैट पोर्टल एंड जो भी आपका कॉस्ट रहेगा वो आपको मिल जाएगा. आपका जो भी अमाउंट रहेगा जितने का भी रहेगा जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रहेगा वो शेयर हो जाएगा दोनों पार्टीज़ के बीच में. तो इस तरह से ई नैम पोर्टल वर्क करता है. ओके सो डैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड इसके अलावा और कोई स्कीम्स रहती हैं या जो उस टाइम पे रेलेवेंट होती हैं वो मैं आपको बाद में किसी थर्ड पार्ट में बना दूंगा. नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो आपका रहेगा कि जो सर्विसेज सेक्टर है मध्य प्रदेश में वो किस तरह का है. ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि सर्विसेज सेक्टर मध्य प्रदेश में कैसा है क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सर्विसेज सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और उसका फ्यूचर ये है कि हम एग्रीकल्चर से लेकर थोड़ा सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाएँ और बीच में मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा. तो लाइक ये दोनों सर्विसेज ये दोनों सेक्टर को मैं आपको अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊँगा. ठीक है सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव. ओके टेक केयर.